पूरी दुनिया में भारत को पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव के देश के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश है। भारत में कोई भी हर महीने उत्सवों का आनंद ले सकता है। हालांकि संविधान भी हर किसी को अपने धर्मों के मुताबिक जीने के लिए और हर त्योहारों को खुशी से मनाने के लिए बोलता है, लेकिन अगर कोई आपको त्योहार मनाने से मना कर दे तो क्या ये सही होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला अलीगढ़ के विभिन्न स्कूलों में, जहाँ एक हिंदूवादी संगठन ने पत्र जारी करके क्रिसमस नहीं मनाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच ने कहा, हिंदू बच्चों को क्रिसमस मनाने से दूरी रखे, ईसाई बच्चों के लिए अलग से क्रिसमस मनाएं। हिंदू जागरण मंच ने अलीगढ़ के विभिन्न स्कूलों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो परिणाम के लिए स्कूल ही जिम्मेदार होंगे। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन किसी को भी स्कूलों में क्रिसमस मनाने से रोकने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि सभी स्कूलों के प्रबंधन को क्रिसमस पर पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हिंदूवादी संगठन द्वारा अलीगढ़ के सभी स्कूलों को क्रिसमस ना मनाने देने की धमकी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सभी जिला पुलिस प्रमुखों को ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का एक संवैधानिक अधिकार है और पुलिस प्रशासन इसकी रक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि धर्म के नाम पर धमकाने का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टाइम्स।